हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको शकरकंद की नई रेसिपी बनाना बताएंगे जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। और वीडियो को हमारी अंत तक देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने दो शकरकंद लिए हैं, इनको हमने पहले से बॉईल कर लिया है और जब ठंडी हो गई थी तब इनको हमने अच्छे से छील लिया है, छील के साफ़ कर दिया है। इन दोनों शकरकंद को हम या तो कद्दूकस कर लेंगे या तो हम इसको मैश कर लेंगे। हमने शकरकंद को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और ये दो तरीके से बनाया जाता है। आप इसमें चाहें तो सिंघाड़े का आटा डालकर व्रत वाला भी बना सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और भी हमें पानी इसमें नहीं डालना है, पहले हमें इसी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने आटे को और शकरकंद को अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक कटोरी चीनी लेंगे, हमने एक कटोरी चीनी ली है। अब हम इसको थोड़ी देर आधा कप पानी में भिगो देंगे। चीनी का घोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अभी हमने इसमें आधा डाला है, अब आधा डालकर हम मिक्स करेंगे। एकदम से इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि गीला ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम दोबारा फिर इसी में मिक्स कर देंगे। चीनी का घोल अगर गाढ़ा लगे आपको तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि बैटर अभी हमारा गाढ़ा है। अब हमारा बैटर ये करीब करीब तैयार हो गया है। हमने आधा गिलास पानी पहले चीनी के घोल के लिए तैयार किया था, फिर उसके बाद हमने आधा गिलास पानी इसमें और मिलाया है जिससे ये थोड़ा पतला हो गया है, और कुल मिलाकर एक गिलास करीब पानी इसमें लगा है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, ये हमने सौंफ ली है, करीब 1 चम्मच है। अब हम इसको क्रश करके डालेंगे जिससे इसकी खुशबू और अच्छी आ जाए। और ये हमने थोड़ी सी गरी ली है, तो गरी भी हम इसी में मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे तो आप पानी और भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इसी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा मिलाएंगे। सोडा मिलाने के बाद इसको हम फिर से थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इसको जितने अच्छे से मिलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर।
हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और हमने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे रोल बना के डालेंगे, और या तो आप हाथ से बना सकते हैं और चाहें तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। हमने इसको हाथ से बनाया है, आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी बना सकते हैं। और गैस थोड़े धीमी रखनी है हमको। अब हम इनको दूसरी तरफ भी पलट कर इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसको बनाने के लिए हम धीमी आंच पर सेकेंगे, बहुत तेज करने पर हमारे ये जल जाएंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। तो लीजिए, हमारी शकरकंद की स्वादिष्ट रेसिपी तैयार है। आप भी बनाकर देखिए, आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।